हाय मिठू, क्या हो रहा है? हाय गाइज, आई एम शिल्पी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइज, ये व्लॉग है 24th of September का एंड आई नो मैं एक या दो वीक से कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ। एंड उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि मेरे फ़ोन का स्क्रीन जो है वो डैमेज हो गया था और स्पेस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैं कुछ भी वीडियोज़ एडिट अपलोड नहीं कर पा रही थी। साथ ही साथ मेरे इन लॉज भी आए थे घर एंड उन्हीं लोग के साथ टाइम स्पेंड करने में कुछ व्लॉग्स मैं अच्छे से बना नहीं पा रही थी और जो भी छोटे मोटे क्लिप्स थे ना उसको डिलीट भी करना पड़ रहा था क्योंकि स्पेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। बट फाइनली मेरा फोन आ गया है। कौन सा फोन वगैरह आया है वो सब मैं आपको नेक्स्ट बॉक्स में बताऊंगी, बट चलिए आज की व्लॉग्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, टुडे इज 24th September एंड सभी का मन था एग करी और राइस खाने का, तो मैं बस वही एग करी और राइस बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइज, एग करी खाने के बाद फिर हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट किया था एंड शाम को हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। एंड घूमने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं वो आपको आगे के व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यशी, फ्रैंकी और पापा, ये तीनों लोग जा रहे हैं उससे लिफ्ट से एंड हम लोग बाद में आएंगे क्योंकि हस्बैंड बंद कर रहे थे गेट। एंड ये देखिए हम लोग जा रहे हैं। मीठी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है घूमने के लिए कि क्या ही बताऊँ। वो अपना छोटा सा बैग वगैरह पहन के रेडी हो गई है एंड बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। एंड हम लोग जा रहे हैं बेसमेंट में कार की तरफ और कार से ही हम लोग चलेंगे बाहर और बाहर से ही सब लोगों को ले लेंगे जो जो बाहर गया है। सो गाइज, मेरे घर में सभी लोग नॉन वेजिटेरियन है सिर्फ और सिर्फ मुझे छोड़ के, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ रॉयल कैफे एंड यहाँ से मैं उठाऊंगी अपना चाट। यहाँ की चाट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इनकेस अगर आप लखनऊ में हो तो आप लोग यहाँ की चाट जरूर ट्राई करना। बास्केट चाट्स भी बहुत टेस्टी लगते हैं और साथ ही साथ टिक्की भी यहाँ की बहुत ही ज्यादा फेमस और टेस्टी है। मैंने तो ट्राई किया है, मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तो ये चाट मैं जरूर खाती हूँ। एंड फिर मैंने थोड़े से वहाँ पे क्लिप्स वगैरह लिए, फोटोज वगैरह। एंड फिर हम लोग पहुंच गए हैं ये घंटा घर, छोटा इमामबाड़ा के पास है एंड वहाँ पे ये तवा तबाही है। वहां से ही लोगों ने नॉनवेज वगैरह, शॉर्मा वगैरह ये सारी चीजें ली। एंड ये देखिए फ्रैंकी भी हमारे साथ गई थी एंड फ्रैंकी ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी बाहर का देख के। एंड यहाँ पे मीठी और मेरी की कुछ फोटो सेशन चल रही थी और मीठी भी खूब एंजॉय कर रही थी। शाम के टाइम पे ना रोशनी वगैरह रहती है तो वो खूब एंजॉय करती है, देखती है तो उसको बहुत ज्यादा मजा आ रही थी और सबको हाय बाय यही सब करती रहती है। बच्चों का तो यही होता है ना, खेलते कूदते रहते हैं। एंड यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा बहुत क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ। हाँ, उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे दस्तरखान, जो जो यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ का
स्पेशली आई थिंक कबाब पराठा बहुत ज्यादा फेमस है एंड यहाँ का नॉनवेज भी बहुत ज्यादा फेमस है एंड यहाँ पे आपको लाइन लगा के खड़े रहना पड़ता है एंड उस चीज का फायदा उठाते हुए मैंने खूब सारे रील्स के लिए शॉर्ट्स वगैरह ले लिए हैं एंड यहाँ पे देखिए सब लोग बैठ के जस्ट वेट कर रहे हैं। हम लोग ने अपना नाम वगैरह लिखवा दिया है बट जब हम लोग का टाइम आएगा तो ही हम लोग अंदर जाएंगे एंड लुक एट द क्राउड गाइस, कितनी ज्यादा भीड़ लगी है और इतने ही लोग अभी बाहर भी खड़े हुए हैं। एंड फाइनली हम लोग को सीट मिल गई, मुझे तो वहाँ पे कुछ खाना नहीं था बट इन लोगों ने अपना जो भी चीजें थी सब ऑर्डर की जो चीजें खानी थी नॉनवेज में एंड मैं बस इन लोग को देख ही रही थी क्योंकि मेरा तो भाई कुछ खाने का मन करता नहीं है नॉनवेज में ज्यादा, बस मैंने अपनी वीडियोस वगैरह बनाई एंड ये देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं। एंड वहां से खाने वाने के बाद हम लोग आ गए वापस घर एंड वहां पे हम लोग ने आके खाया जियानीज यानीज की आइसक्रीम एंड ये है नेक्स्ट डे की वीडियो यानी कि 25th of September एंड हम लोग जा रहे हैं इलाहाबाद वापस घर अपने। एंड ये देखिए ये है छोटी सी क्लिप निकलने की हमारी एंड सभी लोग ना रेडी हो चुके हैं, सब लोग जा रहे हैं घर एंड ये हम लोग एक जगह रास्ते में हॉल्ट लिए हुए थे एंड यहाँ का नंदलाल रेस्टोरेंट करके है, ये लखनऊ टू अगर आप इलाहाबाद जाते हो तो वहाँ पे बीच में पड़ता है एंड यहाँ पे हम लोग ने ली थी चाय। एंड फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर और घर पहुँचते ही मैंने खाया था ये तहरी, बहुत ही टेस्टी। एंड ये नेक्स्ट डे सुबह की क्लिप है एंड मैं दिखा रही हूँ अपनी सास का गार्डन, उन्होंने टेरेस पे ही बना रखा है अपना छोटा सा गार्डन और यहाँ पे चल रही है मीठी की मस्तियाँ। एंड ये है आई थिंक 27 सितंबर का क्लिप, 26 सितंबर का क्लिप और उस दिन मुझे फोन पे कुछ काम था तो मैं और मेरे हस्बैंड, फोन का मतलब कुछ काम था तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों लोग निकल गए थे मार्केट और इतनी ज्यादा धूप थी ना कि मैंने इसे दुपट्टा एकदम कवर कर रखा था अपने फेस पे, फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे खिलाया पिलाया था यहाँ का मिल्क बादाम, ये इनके बचपन की मतलब बचपन से ही इन्होंने यहाँ पे पिया है मिल्क बादाम, बहुत ज्यादा टेस्टी था। एंड फिर हम लोग गए वोडाफोन के ऑफिस, वहां से अपना काम फिनिश किया एंड उसके बाद हम लोग ने खाई कुल्फी एंड ये शाम के टाइम पे हम लोग निकल गए थे चाट खाने, लोकनाथ की चाट बहुत ही ज्यादा फेमस है, अभी तो मैं आपको रास्ते का ही दिखा रही हूँ। एंड बस हम लोग जा रहे हैं एंड फिर हम लोग रिक्शे से निकले थे तो मीठी देखे कितना मस्त से बैठ के जा रही है, एकदम चिपक के बैठी थी, इसको डर भी लग रहा था और साथ ही साथ एंजॉय भी कर रही थी। एंड फिर हम लोग पहुंच गए थे ये हनुमान मंदिर, भाई साहब यहाँ पे तो इतना ज्यादा सुकून लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं, आरती वगैरह चल रही थी। एंड ये है लोकनाथ की बहुत ही ज्यादा फेमस चाट की दुकान, इनके यहाँ पे ना इतनी सारी कांजी, ये जो दिख रहा है ना आपको गोल गोल ये कांजी है, ये कुछ पीने की चीज होती है और साथ ही साथ आपको राम लड्डू मिलेगा खाने के लिए, बड़े स्पेशली होते हैं और भीगे हुए बड़े एंड बहुत ही ज्यादा टेस्टी था यार, अगर आप लोकनाथ जाते हो ना तो आप जरूर टेस्ट करना इसको, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, मैंने फर्स्ट टाइम इसको खाया था। वैसे दिल्ली में जो ये बड़े थे ना ये राम लड्डू करके मिलते हैं, लाइक उसमें कुछ लिक्विड से डाल के और सलाद वलाद डाल के देते हैं बट यहाँ पे दूसरी तरीके से था, काफी ज्यादा टेस्टी था। एंड उसके बाद मैंने खाई पापड़ी चाट, सो बेसिकली हम लोग चाट चाट खा करके ही आज पेट भरने वाले हैं। पापड़ी चाट के बाद फिर मैंने टमाटर ऑर्डर किया था, फिर टमाटर भी खाया एंड वो भी काफी ज्यादा टेस्टी थी। सो काई काफी सारी चाट्स खाने के बाद तो हम लोग का पेट एकदम भर चुका था, फिर उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे अपने घर। एंड ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप और सुबह सुबह ही ना मीठी जैसे ही सो के उठी तो वो उठ ही नहीं रही थी, काफी सो रही थी तो पापा ने लगा दिया था
टीवी में कार्टून, तो कार्टून का जैसे ही उसके आवाज कान में पड़ी ना, तो वो एकदम से अचानक से सो के उठ गई और बैठ के देखना शुरू कर दी। तो मैंने वही रिकॉर्ड कर दिया था, बट ये स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो गया है, तो बिल्कुल भी उसका रिएक्शन, मतलब जो बोल रही थी ना, वो सारी चीजें नहीं रिकॉर्ड हुई थी, बट स्टिल मैंने क्लिप लगा दी क्योंकि बहुत ही क्यूट सी क्लिप रिकॉर्ड हुई थी। हाय मिठू, क्या हो रहा है? सो गाइज, अभी मैं आ चुकी हूँ मीठी का वैक्सीनेशन करवाने, एंड ये इसका 16 मंथ वाला वैक्सीनेशन है। एंड सॉरी फॉर दैट गाइज, आप लोग प्लीज कान में ईयरफोन लगा के देखना, बहुत ज्यादा रोने वाली है मीठी। एंड यार, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, मैं इतना ज्यादा डर रही थी ना इस टाइम पे कि मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग खुद ही लाइव देख लो।
एंड घर आते ही मुझे लग गई थी बहुत तेज से भूख। एंड आज हम लोग को निकलना भी था तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ कचौरी सब्जी, जो कि इलाहाबाद की बहुत ज्यादा फेमस कचौड़ी सब्जियां हैं। ये ब्रेकफास्ट में खाई जाती है, लाइक इसी टाइम पे मिलती ही है वहां पे मार्केट में, तो वो लेके आए थे पापा, तो मैं बस वही बैठ के खा रही हूँ। यहाँ पे मीठी की दीदी आ गई थी और वो मीठी उसका चश्मा लेके लगा ली थी अपने, और इसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था ये वाला चश्मा, और फिटिंग भी आ गई थी इसकी, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं मीठी के लिए चश्मा लेके आऊंगी इसी तरीके से। और उन्होंने इसको चॉकलेट भी दी थी जो कि इसने पूरा फैला लिया था अपने कपड़ों वगैरह में, तो चॉकलेट ही खाती कुछ नहीं है, बस फैलाती है। एंड फिर सबसे मिल विल के बातचीत करके हम लोग निकल गए हैं लखनऊ के लिए। एंड ये रही हमारी इलाहाबाद की सड़कें, जो कि बहुत ही ज्यादा जाम लगता है वहां पे। सो गाइज, ये थी मेरी आज की छुटपुट रॉ एंड रियल व्लॉग। एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ अभी जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ। एंड ये मेरा एक वीक का व्लॉग था, कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अब मैं आज से रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करना शुरू कर दूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।